इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री बैजलनाथ शर्मा ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री बैजलनाथ शर्मा ने खबर यह है कि बहुत निर्देश भी दिए हैं, जैसे कि जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं 13 और 14 जुलाई को प्रभाव वाले जिलों के दौरे पर भी जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिव जिलों में बैठक लेंगे। बजट के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की भी बैठक लेंगे और जाहिर तौर पर चूंकि बजट तो अब तैयार हो गया है जिसे पॉपुलिस्टिक बजट कहा जा रहा है और भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ पर सरकार के तमाम मंत्री करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री अब बजट तो बना यहाँ पर वित्त मंत्री के जरिए पेश हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बजट जो है वो कैसे धरातल पर उतरे, इसके लिए तमाम जो जिला प्रभारी हैं, जिला सचिव हैं, उनको जाना होगा और 13 जुलाई को बताया जा रहा है कि बैठक के साथ ही ये भी कहा गया है अधिकारियों की बैठक भी बजट के क्रियान्वयन को लिए जाएगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जिला प्रभारी लोग अपने अपने जिलों में जाएं धरातल पर उतारने के लिए योजनाओं का ठीक तरीके से प्लानिंग करें और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो, क्योंकि विपक्ष भी बजट से पहले विधायक दलों की बैठक की गई थी और नेता जो अध्यक्ष है कांग्रेस के यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर सवाल भी उठाया था कि पढ़ेगा कोई और बजट किसी और का होगा, लेकिन धरातल पर ये कैसे उतरेगा ये सबसे बड़ा सवाल होगा। यहाँ पे श्रुति यही होता है कि तमाम योजनाएं अलग अलग वर्गों के लिए सरकार बनाती तो है, लेकिन उस वर्ग को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और इसीलिए मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद सजग हैं। लिहाजा जिला प्रभारी जिला सचिवों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जाइए बजट के क्रियान्वयन को लेकर धरातल पर काम कीजिए, यानी जागरूकता योजनाओं को लेकर बताइए। और वो बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि आम जनता को ये समझ में आना चाहिए कि बजट में उनके लिए क्या है और कैसे वो लागू होगा तो उनको वो कैसे लाभान्वित करेगा। चलिए अगली खबर है, मुख्यमंत्री बैजलनाथ शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें कि गुरुवार को जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार के महत्व पर लोगों को जागरूक करना है। कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं, बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। और अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये है कि अब जो पूर्व अग्निवीरों को CISF में 10% आरक्षण दिया जाएगा, CISF इसे तत्काल लागू भी करेगा। बताया जा रहा है कि CISF ने इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली है। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार CISF ने भी एक्स अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो BSF के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पर तैनात करेंगे। रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे SSB के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा
उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर्स के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। तो अग्निवीर वो स्कीम जिसको लेकर विवाद हर जगह हुआ, चाहे वो फिर विधानसभा हो या फिर संसद, अग्निवीरों को लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर रहा। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है, देखना होगा कि इससे कितना कुछ फायदा होता है। 10% आरक्षण करने के लिए सीआईएसएफ इसको तुरंत लागू भी करेगा। हालांकि जब केंद्र सरकार अग्निवीर की योजना लेकर आई थी तो भी ये कहा गया था, क्योंकि 4 साल का टेन्योर और उसमें तमाम वो जो सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनका टेन्योर सिर्फ कम रहेगा, इसको लेकर भी एक सवाल उठे।